नमस्कार, कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। और पहले हम आपको बताएंगे इस वक्त की पांच बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे पांच ट्रेडिंग कॉल्स और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अहम खबरों के साथ। पहली खबर यह है कि कच्चे तेल में जोरदार गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है। MCX पर आज क्रूड ने 795 का नया निचला स्तर छुआ था, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है और इंट्राडे में दाम 25% तक टूट गए थे, अब करीब 10% की कमजोरी रह गई है। और पिछले 3 महीने में MCX पर कच्चे तेल का भाव 75% तक टूट चुका है, तेज़ गिरावट आई है। हालांकि 2 दिन में ही करीब करीब 50% की गिरावट हमने देखी थी क्रूड में, जोरदार गिरावट आई है। ब्रेंट का भाव 19 के करीब है, WTI क्रूड $10 तक फिसला है, आज 20% की नरमी है। और स्टोरेज की चिंता मार्केट में लगातार बनी हुई है, डिमांड भी कम हुई हो रही है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सोने चांदी में कमजोरी है। MCX पर सोना 46,000 रुपये के नीचे है, चांदी 41,600 रुपये के नीचे ट्रेड कर रही है और 250 रुपये तक गोल्ड की में कमज़ोरी दिख रही है। और कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1,700 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि अच्छी खबर है किसानों के लिए कि चने की इस बार बम्पर खरीद होने वाली है और पिछले साल के मुकाबले जो सरकारी खरीद है वो 50% से ज़्यादा होने की संभावना है। और इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू की है। कल MP में खरीद शुरू होगी, कल से परसों से राजस्थान में खरीद शुरू होगी। और अच्छी बात यह है कि इस बार जुलाई के एंड तक खरीद होने की संभावना है और पिछले साल जून के लास्ट तक ही खरीद हुई थी, तो लास्ट ईयर के मुकाबले 1 महीना ज़्यादा खरीद हुई है। और ये भी कहा गया है कि खराब क्वालिटी के आधार पर किसानों के किसी भी माल को रिजेक्ट ना करें, उसको भी खरीदा जाए, जो परचेजिंग के सेंटर हैं उसको बढ़ाए गए हैं, तो तमाम उपाय यहाँ पर किए गए हैं। ऐसे भी खबरें आ रही है कि किसानों को जल्द से जल्द पेमेंट करने की व्यवस्था भी हो रही है। SMS के जरिए किसानों को जानकारी दी जा रही है कि आप इस सेंटर पर आकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसके अलावा कॉटन की बात करें तो कॉटन वायदा में गिरावट है। MCX पर कॉटन 16,000 के नीचे है, 1.5% दाम लुढ़के हैं और 3 महीने में 16% की गिरावट आ गई है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कॉटन की डिमांड में तेज गिरावट की आशंका जताई गई है। इसके अलावा पांचवी महत्वपूर्ण खबर यह है कि BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, क्रूड की नेगेटिव ट्रेडिंग के लिए इंतजाम कर लिए हैं। अपने सॉफ्टवेयर में प्राइसिंग मैकेनिज्म को बदल दिया है और नेगेटिव प्राइसिंग के लिए तैयार कर लिया है। 4 मई से नेगेटिव ट्रेड का विकल्प मिलेगा, यानी अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसमें आप सौदा डाल भी पाएंगे और तमाम तरह के जो उपाय होते हैं टेक्निकली वो कर लिए गए हैं। क्योंकि जब पिछले दिनों नेगेटिव में सेटलमेंट हुआ था तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी सवाल भी खड़े हुए थे, कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो उसको देखते हुए MCX पर जो नेगेटिव सेटलमेंट हुआ था उसको लेकर कारोबारियों ने शिकायत की थी, कोर्ट में भी कारोबारी गए हैं। तो अब उसके बाद इस बात की डिमांड तेज हो गई थी कि जब NAMEX पर इस तरह का मैकेनिज्म बना लिया गया है तो डोमेस्टिक एक्सचेंज में ऐसा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो BSE ऐसा पहला एक्सचेंज है जिसने इस मैकेनिज्म को तैयार कर लिया है। तो ये पांच खबरें इस वक्त की, लेकिन अब बात करते हैं पांच ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं SMC कॉम्ट्रेड की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में आज शाम के लिए क्या ट्रेड आप देख रही हैं? मृत्युंजय जी, जिस तरीके से गोल्ड में मूवमेंट आ रही है और इक्विटी में हम लगातार इजाफा होते हुए देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक डाउन ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा रहना चाहिए यहाँ पे इस हफ्ते। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए 45,815 के करीब, मुझे लग रहा है कि एक बार सेलिंग करना चाहिए, 45,500 का एक टारगेट लेके चलना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 45,985 रुपये का। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। सिल्वर में क्या किया जाए, क्या चांदी में भी आपको लगता है कि आज के लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए शॉर्ट करके चलना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि गोल्ड के साथ चांदी में भी थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं डाउनसाइड नहीं हूँ चांदी में, क्योंकि ऑलरेडी बेस मेटल से उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो 41,325 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 40,700 तक मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी नीचे की तरफ जा सकती है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 41,575 रुपये तक का, या फिर नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा भी यहाँ पे कर सकते हैं, 41,625 तक भी इनफैक्ट यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। ठीक है, निकल के ऊपर क्या कमेंट है आपका? निकल में क्या ट्रेड आप देख रही हैं इस वक्त, मार्केट में क्या पोटेंशियल आपको दिख रहा है?
मृत्युंजय जी, काफी अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है बेस मेटल में। आज के दिन थोड़ा सा मुझे करेक्शन लग रहा है, लेकिन ये करेक्शन इंट्रा डे के लिए है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निकल में सेल भी करना चाहिए, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे करना चाहिए। 935 रुपये पे मैं ये सेलिंग रिकमेंड करूंगी, 922 रुपये का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं 942 रुपये तक का देना चाहूंगी, या इनफैक्ट हम थोड़ा सा इसको वो कर सकते हैं कि 945 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे चले, 40 रुपए तक का। और निकल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, कॉपर में थोड़ा करेक्शन होना चाहिए मृत्युंजय जी, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि करेक्शन जो मिड टर्म यहाँ पे ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। तो इंट्राडे सेल है, लेकिन ये जो करेक्शन आएगा ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जो मिड टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप मिड टर्म के लिए वेट करना चाह रही हैं। नेचुरल गैस का प्राइस अभी आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी हमने एक भारी उठापटक का माहौल बनता हुआ देखा। क्या अब कुछ स्थिरता आई है इस काउंटर में, क्या अब ट्रेड शुरू किया जाए, या अभी भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है आगे? मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस कंपेरेटिवली थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कमोडिटी रही है एज कम्पेयर टू क्रूड, और क्रूड में अभी देखें तो इंट्राडे में थोड़ी सी यहाँ पे लिवाली बढ़ गई है। जैसा आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि 25% की गिरावट थी, अब वो सिर्फ 10% की रह गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे नेचुरल गैस को मिल सकता है। मैंने एक रिस्की बाइंग कॉल दिया है यहाँ पे, 148 पे बाई करना चाहिए, 152 का टारगेट रखना चाहिए, 146 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे। और जो भी ट्रेड यहाँ पे करे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करे, बहुत वोलेटाइल टाइम है। ओके, टर्मरिक पर आपका कमेंट क्या होगा? टर्मरिक में इस वक्त आप क्या ट्रेड देख रही हैं? मुझे यहाँ पे मृत्युंजय जी लग रहा है कि एक बाय जो है 100 रुपये ऊपर तक की और यहाँ पे आ सकती है, और अच्छी कमोडिटी है, और इसने अच्छा कल के उसने मूवमेंट भी दिखाया था। तो 5500 पे बाय, 5600 का टारगेट, 5450 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए इस कमोडिटी में। ओके, तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको वंदना जी ने बताया कि कौन कौन से ऐसे काउंटर हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। ठीक है, कुछ और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं वंदना जी। एग्री मार्केट में खास करके जो चने का काउंटर है, आज यहां पर तेजी का रुख है, और खबर यह है कि इस बार चने की बंपर सरकारी खरीद होने वाली है। सरकार ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है, बाकी रबी क्रॉप की भी अच्छी प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की गई है। क्या करना चाहिए अभी इसमें? मृत्युंजय जी, उसका जो इम्पैक्ट है, जैसे भी आपने बोला, बाजार यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, और मुझे लग रहा है कि काफी पॉजिटिवली बाजार इसको ले रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि चना में थोड़ी सी बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है ऊपर की तरफ, या 4320 तक जा सकता है मेरे कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग में रहना चाहिए। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि FCI, NFED, FED, जो ये PDS के थ्रू काफी माल जो है वो बाहर की तरफ निकल भी रहा है, बाहर भी जा रहा है, तो मेरे ख्याल से एसेंशियल कमोडिटीज में ये चीजें आती है, खपत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है लॉकडाउन से यहाँ पे, तो ये कमोडिटी थोड़ा स्ट्रांग यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। 4320 तक के लिए यहाँ पे बाइंग में रह सकते हैं। ठीक है, और सोयाबीन में क्या किया जाए? सोयाबीन भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग कमोडिटी लग रही है मृत्युंजय जी, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि एडिबल ऑयल में अगर आप देखें तो जबरदस्त बैकवर्डेशन में है, जो फार मंथ है वो काफी लो ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऑयल सीड्स में ये केस थोड़ा सा कम है, और स्प्रेड थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बैकवर्डेशन में है लेकिन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में भी यहाँ पे थोड़ी सी तेजी जो है वो भी और यहाँ पे बरकरार रह सकती है। मे कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है करीब करीब 3875 से 80 तक जा सकता है यहाँ पे, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ऑयल सीड्स काउंटर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एडिबल ऑयल। ठीक है, तो ये राय है आपकी सोयाबीन में कि अभी वहां पर क्या करना चाहिए। ग्वार का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? ग्वार के मार्केट में हम लोग बहुत सीसॉ मूवमेंट आते हुए देखे हैं कि आज के मार्केट में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे 2.5% थोड़ा सा प्राइसेस जो ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। ग्वार का मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से 5000 से ऊपर एक बार आना चाहिए, 5150 तक आना चाहिए। साथ ही मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड की बात करूं तो मुझे लग रहा है जो मे वाला जो काउंटर है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 4350 के करीब। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ है, लेकिन अपसाइड यहाँ पे केप्ड है, क्योंकि चूरी कोरमा का डिमांड से जो आ रहा है वही यहाँ पे सपोर्ट कर रही है प्राइसेस को। और ग्वारगम में जो वीकनेस है जी, वो ग्वारसीड के प्राइसेस को भी केप्ट कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी हम आपके सवाल नहीं ले पाए,
वक्त की कमी की वजह से, लेकिन शाम 5:30 बजे आप जुड़िए हमारे साथ। हमारे साथ दो एक्सपर्ट होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, तो अपने सवाल आप तैयार रखिए और शाम 5:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।